दमण सरकारी महाविद्यालय में इन दिनों दूसरे सत्र की फीस भरने का कार्य जारी है, मगर दमण सरकारी महाविद्यालय में स्टाफ के अभाव के चलते फीस भरने आए छात्रों को घंटों तक लंबी कतार में खड़े रहकर फीस भरने के लिए इंतजार करना पड़ता है। 18 फरवरी 2019 के सोमवार को कुछ ऐसा ही नज़ारा दमण सरकारी महाविद्यालय के कार्यालय के बाहर देखा गया। इस मौके पर दमण सरकारी महाविद्यालय के शुभम पटेल ने कहा कि फीस कलेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही कॉलेज कर्मी को बिठाया गया है। हर रोज 150 से ज़्यादा छात्रों को इस लंबी कतार में फीस भरपाई करने के लिए रोज खड़े रहते हैं और कार्यालय का समय अगर समाप्त हो जाए तो उन्हें वापस बगैर फी भरे ही वापस लौटना पड़ता है, जिससे छात्र काफ़ी परेशान है। छात्र कॉलेज के लेक्चर को छोड़ रोज इस लंबी कतार में खड़े रहते हैं। कॉलेज प्रशासन द्वारा UDC और LDC के पद पर आगे कार्यरत टेम्पररी स्टाफ को भी निकाल दिया गया है और तो और उन्हें पिछले 6 महीनों का वेतन भी नहीं चुकाया गया है। कॉलेज में UDC और LDC की खाली पदों पर स्टाफ की जल्द ही नियुक्ति हो, ऐसी मांग कॉलेज प्रशासन से की है। हमारी कॉलेज में 6 अठवाडिया की कॉलेज की बीजा सत्र की फीस भरवानु काम चाली रही है। रोज बरोज कॉलेज 150 स्टूडेंट आ लाइन में उभा रहे हैं, परंतु फीस लेना सर एक ज होवा फीस लेना सर एक ज होवा टाइम पड़ी जता स्टूडेंटों फरी फरज करव पड़े। रोज रोज स्टूडेंट पोता समय और लेक्चर बगाड़ी आ लाइन में उभा रहे। कॉलेज में पहला LDC और UDC पोस्ट पर काम करता टेम्पररी स्टाफ ने काढ़ी मुकाया है, छता पगार 6 महीना पहला कॉलेज में LDC पोस्ट पर काम करता संदीप कुमार सर आज एजुकेशन डिपार्टमेंट में JD ऑफिस में काम करे छे, तेमज प्रिंसिपल अंडर में काम करता स्टेनो पण आज एजुकेशन डिपार्टमेंट में छे। તેથી અમે કોલેજ પ્રશાસનને માંગ કરીએ છીએ કે કોલેજમાં જે પણ LDC અને UDC પોસ્ટ ખાલી છે એને જલ્દીથી તેની ભરતીથી ભરતી કરવામાં આવે, તેમજ તેથી જે સ્ટુડન્ટો લાઇનમાં ઉભા રહે રોજ રોજ લાઇનમાં ઉભા રહે છે તેમની સમસ્યાનું નિરાકરણ આવે। અગર આપકો હમારા ચેનલ પસંદ આયા હૈ તો પ્લીઝ YouTube પર સબસ્ક્રાઇબ કરે ઓર Facebook પર લાઇક કમેન્ટ ઓર શેર કરે। रुक, मुझे आने दे, फिर शुरू करते हैं। एक बार से कुछ नहीं होता। होने को ना एक ही बार काफी है, सुरक्षा का ख्याल रखना आदत है मेरी। गिरा, गिरा, गिरा। अच्छी आदत है। चल चल जल्दी कर, 5 मिनट का तो काम है यार। एक बार हेलमेट नहीं पहने तो क्या आफत आ जाएगी? अगर आ गई तो आदत है यार। आदत आदत। देखा, बोला था ना अच्छी आदत है। अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है। अब मैं रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। शुक्रिया, मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूँ पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV/AIDS, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है, इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत।